आज की कहानी एक ऐसी महारानी की है जो एक राजा भी थी। इजिप्ट एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे पुराने और खास सभ्यताओं में से एक माना जाता है। कहे तो यह वही देश है जहां से ममीफिकेशन, खेती, दवाइयां और इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई थी। इजिप्ट के राजा और रानियों की एक अलग सी ही बात होती थी। उनमें से थी एक महारानी हाटशेपसुत, जो थी तो एक महारानी पर अपने कार्यकाल के दौरान उसने एक फारो का किताब हासिल कर लिया था। जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, इजिप्शियन कल्चर में फैरो एक दिव्य प्रकार का आदमी हुआ करता था जो मानवता और देवताओं के बीच का जरिया था, और इजिप्शियंस के लिए फैरो सबसे ऊंचे दर्जे का इंसान हुआ करता था। खास बात यह थी कि फारो की उपाधि का अधिकार बस मर्दों को था, पर महारानी हाटशेपसुत वो औरत बनी जिसने इस खिताब को पहली बार हासिल किया और साथ ही साथ इसके ताकत को भी हासिल कर लिया था। हाटशेपसुत महाराज टुटमोस वन की बड़ी बेटी थी और जिसके पिता के मौत पर हाटशेपसुत का विवाह उसके ही सौतेले भाई टुटमोस टू से हो गया था, और नए महाराज की पत्नी बनने के साथ ही साथ वो नई महारानी भी बन चुकी थी। हाटशेपसुत ने टुटमोस टू से विवाह के बाद उसने उनकी एक बच्ची नेफुरू को जन्म दिया, पर टुटमोस टू को उसका वारिस टुटमोस थ्री एक छोटे से हरम की रानी इसिस से मिला था। टुटमोस थ्री के 2 साल की उम्र में ही उसके पिता और हाटशेपसुत के पति की मृत्यु हो गई थी और सारा राज्यपाट उसके 2 साल के बेटे को मिल गया था। यह तब था जब हाटशेपसुत ने नए और नाबालिग महाराज के लिए राज्य संरक्षक बनने की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठा लिया, पर 7 साल के बाद हाटशेपसुत ने खुद अब एक राजा का खिताब हासिल कर लिया था, और अब हाटशेपसुत अपने सौतेले बेटे थुटमोस थ्री की महज एक राज्य संरक्षक नहीं बल्कि उसके साथ ही साथ राज करने वाली एक राजा भी थी, और वह अपने बेटे से ज्यादा प्रभावशाली भी थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हाटशेपसुत ने क्यों यह राजा के खिताब को अपनाया या कैसे सत्ता में इस मुकाम को हासिल किया, पर ऐसा संदेह किया जाता है कि राज्य के ताकतवर चेहरे सेनेनमुट राज्य की सारी राजनीतिक मामलाओं को संभालता था, और सेनेनमुट ने ही हाटशेपसुत को उसकी नई राजनीतिक ताकत की जीत दिलाई थी। इसके साथ ही साथ यह भी संभावना है सेनेनमुट हाटशेपसुत का नाजायज प्यार भी था। हाटशेपसुत उन चुनिंदा इजिप्शियन रूलर्स में है जिसने युद्ध के बजाय शांति से अपने राज्य की उन्नति के लिए काम किया और प्राचीन इमारतों के मरम्मत के साथ ही साथ नए और भव्य इमारतों का निर्माण भी किया था, जिसमें से सबसे भव्य है दर अल बहरी, जिसे वंडर्स ऑफ वंडर्स भी कहा जाता है, जो खुद हाटशेपसुत का मंदिर और कब्र के साथ ही साथ उसके पूर्वजों का भी कब्र है, जिसे वैली ऑफ किंग्स भी बोला जाता है। हाटशेपसुत ने अपनी राजनीतिक सफलताओं की वजह से पूरे 22 साल राज करते हुए इतना लंबा राज्य करने वाली पहली फीमेल फारो बनी। हाटशेपसुत को यह डर था कि क्या लोग उसे एक फीमेल फारो की तरह याद रखेंगे भी या नहीं, इसलिए उसने नकली दाढ़ी और मर्दाना कपड़े पहनकर खुद को मर्दाना भी पेश करना शुरू कर दिया था, और हाटशेपसुत की मम्मी ने उसके औरत होने का सबूत आज के हिस्टोरियंस के सामने लाया। हाटशेपसुत का औरत होना भी एक वजह था कि उसके सौतेले बेटे थुटमोस थ्री ने हाटशेपसुत के मरने के बाद हाटशेपसुत की सारी अस्तित्व को मिटाने का फैसला कर लिया था। थुटमोस थ्री को यह भी डर था कि कहीं उनके ताकतवर राजाओं पूर्वजों के बीच एक औरत का नाम ना आ जाए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।